अम्बाजरी थाना क्षेत्र के पांडरापुरी इलाके में तीन आरोपियों ने मिलकर पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की उसके घर में घुसकर चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार कल रविवार रात 10 बजे के आसपास यह घटना हुई है। पांडरापुरी सुदर्शन मंदिर के समीप ट्रस लेआउट निवासी दिनेश संताराम नहारकर उम्र 33 साल के घर के सामने आकर उनके पड़ोस में रहने वाले आरोपी मुन्ना महतो, उसका बेटा रामू और चुन्नी महतो और चेतन महतो किसी बात को लेकर अश्लील गाली गलौज करने लगे। दिनेश नहारकर के भतीजे को लेकर आरोपी गाली गलौज कर रहे थे। दिनेश नहारकर के बीच बचाव करने गए तो आरोपियों ने उनकी पिटाई कर दी। झगड़ा अधिक न बढ़े इसलिए नहारकर के परिवार के सदस्य दिनेश नहारकर को घर के अंदर ले गए तथा दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दिनेश नहारकर का दरवाजा तोड़ दिया तथा भीतर घुसकर गाली गलौज करने लगे। दिनेश नहारकर के बड़े भाई अशोक संताराम नहारकर उम्र 40 ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो आरोपी और अधिक उग्र हो गए। अशोक नहारकर को आरोपी मुन्ना महतो व चेतन महतो ने पकड़ कर रखा, जबकि आरोपी रामू और चुन्नी महतो ने चाकू निकाल कर अशोक के सीने, पेट व हाथ पर सफासफ वार किए, जिसके कारण अशोक नहारकर की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही अम्बाजरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुन्ना रामू तथा चेतन महतो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 449, 394, 323 और 34 के तहत कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।